दोस्तों, अक्सर आप बुलेट में सुनते होंगे कि चैन स्पॉकेट टूट गई है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो आज आपको मैं दिखाता हूँ। क्योंकि चैन इस तरह से इतनी गंदी हो गई, चैन स्पॉकेट आप पूरी देख रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। और ख़ासकर दोस्तों, जब गाड़ी की धुलाई हो तब आप ज़रूर चैन स्पॉकेट में लुब्रिकेंट डाल के ही गाड़ी चलाएँ, अदरवाइज़ ये आपको प्रॉब्लम कर जाएगी। तो दोस्तों देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैसे चैन को क्लीन करना है, कि मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मिट्टी का तेल या डीजल थोड़ा सा ले लीजिए और उसमें कोई मोबिल थोड़ा सा उसमें मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये एकदम ड्राई, जैसे डीजल है ऑयली होता है, पेट्रोल एकदम ड्राई होता है, तो थोड़ा सा कोई मोबिल मिला देंगे हम तो उससे थोड़ा सा उसका नेचर चेंज हो जाएगा। देखिए, जैसे ये मैंने मिला दिया इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों, गाड़ी को डबल स्पॉकेट लगाइए और चैन को साफ करिए आप। अब इसको जैसे ही लगाएंगे आप देखिएगा कितना ज़्यादा इसमें से मिट्टी निकलेगी। दोस्तों यही मिट्टी है जो कि चैन स्पॉकेट को काट देती है और आपको चैन स्पॉकेट बदलाना पड़ जाता है। थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा आपको, लेकिन इसको आप 1.5-2 महीने में अगर ये प्रोसेस आप करते रहेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। जब चेन से सारी मिट्टी हट जाएगी दोस्तों, आप सर्विस का इंतज़ार मत करिए कि जब सर्विस ड्यू होगी तब हमारी चैन साफ़ होगी। आप दोस्तों खुद से ही इसको काम को घर पे कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे दोस्तों तो फिर आपको चैन स्पॉकेट बदलाना ही पड़ेगा, वो उससे मैटर नहीं करता है। गाड़ी अभी 2,000 किलोमीटर चली है कि 3, अगर चैन स्पॉकेट या चैन कहीं से भी डैमेज हुई दोस्तों, तो पूरा आपको सेट ही बदलाना पड़ेगा। कि इसमें डीजल है, उसमें मैंने मोबिल मिला लिया है और मैं ब्रश से इसको देखिए साफ़ कर रहा हूँ। इसको साफ़ करने का ब्रश भी आता है लेकिन वो नहीं है मेरे पास। देख रहे हैं आप चैन में कितनी ज़्यादा, खासकर आजकल जिस तरह से डस्ट है चारों तरफ। देखिए दोस्तों, एक कपड़े को लेके जो डीजल लग गया है उसको हमें साफ कर लेना है, ताकि वो ना रहे, नहीं तो धूल खींचेगा वो। दोस्तों जहाँ जहाँ भी डीजल लग गया है वो सारा हम साफ कर देंगे। उन सब के बाद दोस्तों हम चेन को भी साफ कर लेंगे। पड़ेगा नहीं, बाइक की वजह स्टॉप हो जाता है। अच्छे से दोस्तों चैन को साफ कर लीजिए और जब आपको लगे कि अब चैन एकदम क्लियर हो गई है, क्लीन है, कोशिश यही करनी है दोस्तों कि धूल मिट्टी जो भी है चैन पे से वो हट जाए। उसको हटाने के लिए जो भी तरीके लगाए जा सकते हैं मैंने लगा दिया। अब आप देख सकते हैं चैन, देखिए हमारी एकदम क्लियर हो गई है।
वो क्लीन है ये चैन, अब इस पर उस तरह का रिस्क नहीं है कि चैन इस पॉकेट कट जाएगी और ये सब हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो हमें मुझको डालना है लुब्रिकेंट वो ये है, रॉयल इनफील्ड का ही लुब्रिकेंट आता है चैन का, और मुझे इसको दोस्तों चैन पे डाल देना है। एक तरीका तो ये है कि मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूँ और चेन चलने लगे, चाबी नहीं है, चाबी लगे बंद कर, कुछ करे गियर लगाई, देखिए दोस्तों मैंने फर्स्ट गियर पे लगा दिया, चेन अपने आप चलने लगी है। अब मैं चेन पे लुब्रिकेंट डालता जाऊंगा, वो अपने आप एलपी चली जाएगी। एसिड होता है क्या भाई ये धुआं फेंक रहा, एक बूंद गिरा